दुनिया के 5 सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शन। नंबर 5, दोस्तों खतरनाक जगहों पर घूमने वाले लोगों ने ज्वालामुखी तक को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, कुछ लोगों ने एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर से एक बोर्ड पर बैठकर नीचे फिसलने को अब एक स्पोर्ट बना लिया है, जिसे वोल्केनो बोर्डिंग कहा जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ये लोग सिर्फ बेहद पुराने और एक्टिव ज्वालामुखी पर चढ़ाई करके इस तरह फिसलने का आनंद उठाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि नीचे आते हुए इनकी रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इस स्पोर्ट में आज तक किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन आप बखूबी समझ सकते हैं कि यहाँ राइडर के मुंह में धूल मिट्टी जाना तो स्वाभाविक सी बात है। नंबर 4, दोस्तों ऐसा लगता है कि चाइना वालों को अनोखे पुल बनाने का शौक चढ़ा है। आपने चाइना के उस कांच वाले पुल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिस पे चलते हुए हर किसी की फटती है। पर आज हम आपके लिए उससे भी ज्यादा डरावना पुल ढूंढ कर लाए हैं। चाइना का ये पुल 200 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जिस पर चलकर लोग अपने आप को खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। यूं तो यहाँ चलने वाले सभी व्यक्ति सेफ्टी बेल्ट से बंधे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए, वीडियो में आप जितना देख पा रहे हैं, इस पुल पर चलना उससे कहीं ज्यादा डरावना अनुभव होता है। वैसे हमारी तो ये राय है कि इस पुल पर वॉक करने से पहले आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए, और अगर पहले से करवा रखा है तो जान लीजिए कि यहाँ से आपका जूता नीचे गिरने पर लाइफ इंश्योरेंस उसे कवर नहीं करेगा। नंबर 3, अगर आपने कभी उड़ने का सपना देखा है तो चले आइए यूके के इस जिप वर्ल्ड वेलोसिटी में, जहां आप सुपरमैन की तरह उड़ने का आनंद ले सकते हैं। दरअसल यहां आपको कुछ सेफ्टी बेल्ट्स लगाकर एक वायर के सहारे ऊंचे पहाड़ी इलाके से नीचे धकेल दिया जाता है। वैसे यहां सेफ्टी बेल्ट्स के साथ आपको हेलमेट और चश्मा भी पहनाया जाता है, और अगर आप चश्मा ना पहनने की गलती करते हैं तो आपकी आंखों को काफी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहां से नीचे आते समय आपकी रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। ये राइड सिर्फ 2 मिनट तक चलती है, जो कि अपने आप में खतरनाक भी है और रोमांचक भी। नंबर 2, दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करने की चाहत रखते हैं तो चीन का ये हॉसैन पहाड़ आपके लिए है। यहाँ अनेकों देशों से लोग खुद का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। कहते हैं कि अगर आपने इस पहाड़ पर अकेले पूरी चढ़ाई कर ली तो आप अपने जीवन में डर शब्द का मतलब तक भूल जाएंगे। इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए अनेकों वायर और सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, ताकि किसी की जान को कोई खतरा ना हो। खैर भैया, मैं तो यहाँ कभी भी जाना पसंद नहीं करूँगा, हम तो डरपोक ही ठीक हैं। नंबर 1, ट्रॉयल टुंगा एक ऐसा पत्थर है जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ऐसा क्यों है इसका अंदाजा आप इस पत्थर को देख कर बखूबी लगा सकते हैं। नार्वे के एक पहाड़ पर 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पत्थर पर एक अद्भुत और डरावना नजारा दिखाई देता है, जहां तक पहुंचने में टूरिस्ट्स को 10 से 11 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। बता दें कि यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, और खबरों की माने तो हाल ही में यहां से गिरकर एक ऑस्ट्रेलियन महिला की मौत हुई है। तो ये थे कुछ बेहद खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।